नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दुल्हन लेने नहीं पहुंचा दूल्हा, दुल्हन पक्ष का आरोप, दहेज की मांग के चलते नहीं आई बारात। गांव मिर्जापुर थेड़ी की है पीड़ित लड़की, मीरपुर गांव का है दूल्हा। सिरसा के मैरिज पैलेस में होना था विवाह समारोह, गुरुद्वारे में होनी थी अनंत कार्य की रस्म। सुबह से तैयार बैठी रही दुल्हन, महिला थाना प्रभारी सुनीता का बयान, पीड़ित परिवार की मिली है शिकायत। दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद दोषियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। जी हाँ, दहेज का दानव अनेकों बलि ले चुका है। आज भी समाज पढ़ा लिखा है, लेकिन अब भी दहेज रूपी दानव के कारण कई शादियां टूट जाती है, कई परिवार बिखर जाते हैं। सिरसा में आज दहेज के कारण एक शादी जुड़ने से पहले ही टूट गई। परिवार बनना था, इसलिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हन सुबह से अपने दूल्हे राजा के लिए सज संवर कर एलनाबाद के मिर्जापुर थेहड़ से सिरसा आ चुकी थी, जहां पर एक मैरिज पैलेस में विवाह समारोह होना था। गुरुद्वारे में आनंद कारज की यानी विवाह की धार्मिक रस्में संपन्न करवाई जानी थी। इंतजार में सुबह से शाम हो गई, लेकिन दूल्हा पक्ष का कोई भी शख्स नहीं आया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पीड़ित दुल्हन अपने परिवार के साथ महिला थाना शिकायत लेकर जा पहुंची। शिकायत के बाद पुलिस टीम दूल्हा पक्ष के गांव मीरपुर पहुंची और वहां से परिवार के लोगों को थाने ले आई। इसी बीच रुपिंदर जो दुल्हन है, उन्होंने बताया कि 4 माह पूर्व उनका रिश्ता सिरसा के गांव मीरपुर में तय हुआ था। उस समय वर पक्ष की ओर से कुछ भी मांग नहीं की गई थी, जहाँ तक कि विवाह समारोह के लिए तमाम खर्चा उठाना वर पक्ष ने स्वीकारा था। कल तिलक समारोह होना था, आज विवाह होना था। एकाएक दुल्हन पक्ष की ओर से दहेज में कार और समारोह के लगने वाले तमाम खर्चों की मांग की जाने लगी। हम लोग गरीब हैं और इतना पैसा दहेज में लगाने में असमर्थ थे, उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। दुल्हन के रूप में सजी रुपिंदर अब इंसाफ चाहती है और दहेज की मांग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठा रही है। इस पर महिला थाना प्रभारी सुनीता ने बताया कि दुल्हन पक्ष की ओर से शिकायत आई है, मामले को गंभीरता से देखते हुए दूल्हा पक्ष को बुलाया गया है, पूछताछ की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यह समस्या गंभीर ही नहीं बल्कि बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के मामले समाज के सामने न आए, ताकि उनको कठोर निर्णय लेने पड़े। हम पल पल टीम की ओर से एक प्रार्थना करते हैं ईश्वर से जल्द ये परिवार एक हो जाएं और इनको अन्य दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दोनों परिवार खूबसूरती से रहें और आपस में एकत्र होकर बसें, ताकि इस तरह से दहेज के दानव की शिकार कोई और महिला या लड़की न हो। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। ये मामला ऐसा है जी, किसी पैलेस में शादी होनी थी और एन मौके पे लड़के ने आने से मना कर दिया शादी वाले दिन ही, और लड़की हमारे थाने में आई हुई है, दोनों पक्ष आए हुए हैं, दोनों पक्षों को बुलाया गया, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। लड़की वाले ने लिखित में दरखास्त दी है, जिसकी जांच एएसआई सुशीला कर रही है, जो भी जांच में सामने होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लड़की वालों ने ये बताया है, अभी लड़के वालों ने ऐन मौके पे बुलेट की मांग की, जो फिर लड़के ने आने से मना कर दिया। अभी तो इनकी बात चल रही है जी, दोनों पक्ष थाने में आए हुए हैं, जैसा भी जो सामने होगा उस हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। लड़की मिर्जापुर थेड़ी की है और लड़का मीरपुर का है। 4 महीने पहले रिश्ता फिक्स हुआ था, उस टाइम पे इन लोगों की कोई डिमांड नहीं थी। इन लोगों ने ये बोला था कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और आज मौके पर आकर बोल रहे हैं कि हमें गाड़ी और कैश, जो खाने वगैरह का खर्चा वो सब दो, पैलेस का खर्चा और कैश दो। और लड़का बोल रहा है कि मैं तभी शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। हम सुबह 11 बजे से आकर भूखे पैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरुद्वारे में, और वो लोग फेरे करने के लिए भी नहीं आए। पहले हमें कल शगुन वगैरह सारा हुआ और हमारा बहुत सारा खर्चा भी हुआ था उस टाइम पर, और अभी तक तो अभी कुछ फैसला हुआ नहीं है। तो उन लोगों ने हमें बुलाया फेरों के लिए कि ले आओ आप बेटी को, हम लोग शादी करेंगे, लेकिन वो लोग आए नहीं और हम लोग वेट कर रहे थे। तो अभी हम उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, आगे देखते हैं जो भी फैसला होगा। हाँ जी सर, वो आए थे थाना में, अभी मुझे नहीं पता कि उन लोगों की पुलिस वालों के साथ क्या बातचीत हुई। वो पहले तो पेश नहीं हुए थे, फिर पुलिस गई थी उनके घर पर, तो उन्होंने अभी स्टेटमेंट वगैरह लिखवा रहे होंगे,
अभी बोल रहे हैं कि हमें एक आधा दिन चाहिए। फिर मैं तो ये कहना चाहती हूँ जो इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई और जो आज मुझ पर बीत रही है वो किसी और पर कल ना बीते।